नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव में। दोस्तों, आज हम साइंस की शुरुआत करते हैं। तो साइंस में हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी सामान्य परिचय, जहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, साइंस इसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो साइंस जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द है साइंटिया, जिससे हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। इस सिंटिया का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जानना, यानी टू नाउ। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अगर हम विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान, यानी विभिन्नताओं का ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। और दूसरी परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि प्रकृति में जो कुछ भी है उसका सुव्यवस्थित, यानी प्रकृति का सुव्यवस्थित और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान। तो प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा यह हो गई, प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइंस के जनक यानी फादर ऑफ साइंस। तो जनरली एग्जाम में सीधा ये फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विज्ञान के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है, विज्ञान के जनक अरस्तु है। कौन है अरस्तु? जिसका कहीं कहीं पर नाम अरिस्टोटल मिलता है। तो साइंस के जनक अरस्तु, जिसका कहीं कहीं पर नाम अरिस्टोटल मिलता है। और दोस्तों, साइंस को जनरली तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यानी साइंस के तीन भाग, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो दोस्तों, साइंस के जनक अरस्तु हो गए थे, ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है साइंस। तो इनके तीन भाग जनरली है। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के वापस जनक अलग अलग है सभी पार्ट के। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु ही है, यानी आपको साइंस के जनक पूछे तो भी अरस्तु करना है और बायोलॉजी का जनक पूछे तो भी अरस्तु करना है। दोनों का जनक एक ही है। और केमिस्ट्री के जो जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इनके है लेवासियर। और तीसरा फिजिक्स के दोस्तों दो जनक हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, बायोलॉजी के अरस्तु, केमिस्ट्री के लेवासियर, फिजिक्स के दो जनक इस प्रकार है। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। यानी फिजिक्स को वापस दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, चीरियन क्या होता है? प्राचीन। यानी जो प्राचीन भौतिकी है उसके जनक है सर आइजक न्यूटन। यानी प्राचीन भौतिकी के जनक, चिरसम्मत भौतिकी के जनक हो गए सर आइजक न्यूटन, और आधुनिक भौतिकी के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो चिरसम्मत भौतिकी सर आइजक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी अल्बर्ट आइंस्टीन। अब जो सर आइजक न्यूटन है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत हम आगे बढ़ेंगे, आज तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो ये पुस्तक का नाम अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना है। तो चिरसम्मत भौतिकी सर आइजक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहा होगा कि भौतिकी को दो भागों में बांटा गया था, आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी। दोस्तों, वापस देख लेते हैं एक बार, साइंस ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया से लिया है, जिसका अर्थ होता है जानना, और साइंस के जनक अरस्तु, और परिभाषा हो गई प्रकृति का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, इन्हें तीन भागों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, केमिस्ट्री के जनक लेवासियस, और फिजिक्स के दो जनक हैं चिरसम्मत भौतिकी के सर आइजक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अब हम बात करते हैं कि भौतिकी को हमने दो भागों में बांटा था, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी।
तो इनको दो भागों में बांटने का कारण यह है कि तीर्षमत भौतिकी यानी प्राचीन भौतिकी में जैसे प्रकृति में दो होते हैं, एक तो होते हैं द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, तीर्षमत भौतिकी में क्या है कि जो द्रव्य और ऊर्जा है इनको अलग अलग माना गया है, यानी इसमें कहा गया कि द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदला जा सकता। इस और आधुनिक भौतिकी में क्या है, आधुनिक भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा को एक ही माना गया, यानी आधुनिक भौतिकी में कहा गया कि द्रव्य को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को वापस द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या है द्रव्य, क्या है ऊर्जा? देखिए द्रव्य का द्रव्यमान होता है और यह दृश्य होती है यानी इसको हम देख सकते हैं, और जो ऊर्जा है ऊर्जा यह दृश्य होती है यानी ऊर्जा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनका द्रव्यमान नहीं होता है। और द्रव्य जो है यह स्थान घेरती है और ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है। तो ऊर्जा का यह दृश्य होती है, द्रव्यमान नहीं होता, स्थान नहीं घेरती है, तो इसी कारण इसको दो भागों में बांटा गया। यहाँ से जैसे हम बात करें 1900 ईस्वी से द्रव्य और ऊर्जा को एक ही रूप माना गया है और 1900 से पहले द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग माना गया है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक भौतिकी के जो हमने जनक देखे थे वो देखे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस द्रव्य और ऊर्जा के मध्य एक समीकरण भी दिया था जो था E=mc². इसका हम आगे से अध्ययन करेंगे जब हम आगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें m जो है वह द्रव्यमान है, c है प्रकाश का वेग और e है ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दो तीर्षमत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, यानी 1900 ईस्वी के जो पहले के भौतिकी है उसको नाम दिया गया तीर्षमत भौतिकी, और 1900 ईस्वी के जो बाद की भौतिकी है उसको दिया गया था आधुनिक भौतिकी, जिसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसमें द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग माना गया है, और आधुनिक भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा को एक ही माना गया है, यानी कहा गया द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में। आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था वो था E=mc². अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे भौतिकी की। तो भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है, और ये 8 भाग इस पर हैं। पहला तो है यांत्रिकी, दूसरा इसका जो पार्ट है वह है ऊष्मा, और तीसरा पार्ट है इसका पहला यांत्रिकी, दूसरा ऊष्मा, तीसरा है प्रकाशिकी, चौथा है ध्वनि, पांचवा है विद्युत, छठा है चुंबकत्व। दोस्तों ये तो है 6 भाग, ये 6 भाग हैं ये है हमारे आते हैं तीर्षमत भौतिकी में। और आधुनिक भौतिकी की हम देखें तो 2 भाग इसके भी है। पहला तो है नाभिकीय, जो भी नाभिकीय से संबंधित है वो तो आता है आधुनिक भौतिकी में, और एक और है इलेक्ट्रॉनिकी। तो दोस्तों यांत्रिकी में हम अध्ययन करेंगे जैसे वेग है, वेग बल गति, गति के जो भी नियम है, गति है वेग बल गति त्वरण, ये जो भी है इसका हम अध्ययन करेंगे यांत्रिकी में। उसमें में हम अध्ययन करेंगे ताप का, ताप वगैरह जो है हीट है। और प्रकाशिकी में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की घटना का, प्रकाश की घटना जो भी है जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, और लेंस दर्पण, इनका भी अध्ययन हम प्रकाशिकी में करेंगे। ध्वनि में हम अध्ययन करेंगे जो ध्वनि के क्या गुण है, क्या तारत्व होता है, और माध्यम में ध्वनि का किस प्रकार डिपेंड करता है। और विद्युत में हम बात करेंगे जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जैसे तारों का जो संयोजन है या कोई उपकरण है विद्युत उपकरण उनका, और चुंबकत्व में जो मैग्नेटिक से है, और नाभिक में जो नाभिक से रिलेटेड है जैसे सूर्य नाभिक के सलियन अभिक्रिया दर्शाता है। तो इस तरह हम भौतिकी में ये 8 भागों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं यांत्रिकी से। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं भौतिक की जो सबसे बड़ी है जैसे जैसे सबसे छोटी इकाई जैसे मात्रक है, या इसका और भी नाम है इकाई, और इसका इंग्लिश में नाम है यूनिट। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं।
मात्रक इकाई क्या होती है दोस्तों? एक होती है भौतिक राशि। क्या होती है? भौतिक राशि। यानी इसको हम एग्जांपल से समझना होगा, जैसे पाँच, पाँच क्या है? पाँच किलोग्राम हो सकता है, पाँच कोई वस्तु हो सकती है, पाँच मीटर हो सकता है, पाँच लीटर भी हो सकता है। तो देखिए जो पाँच पाँच सभी में, ये तो है भौतिक राशि, यानी ये जो पाँच है ये क्या है? हमारी भौतिक राशि, यानी जिसे हम प्रकट करते हैं। और जो आगे जैसे इसके मल्टीप्लाई में किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, ये हमारी कहलाएगी मात्रक। यानी हम किसी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए जिस संकेत का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मात्रक। यानी यहाँ पे सबका देश, सभी में पांच जो भौतिक राशि है वो कॉमन है, तो किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, यानी किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए जो संकेत प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं मात्रक। तो मात्रक के मापन के लिए, मात्रक के मापन के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। उन पद्धतियां कौन कौन सी है? एक तो है FPS पद्धति, दूसरी है MKS पद्धति और तीसरी है CGS पद्धति। क्या पद्धति है? देखिए दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पद्धतियां प्रयुक्त की जाती थी। जैसे FPS, इसमें जो F है वो है फुट और P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। यानी देखिए दोस्तों, यानी लंबाई के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है FPS पद्धति में? लंबाई के लिए फुट का। और अगर द्रव्यमान, यहाँ P पाउंड है, द्रव्यमान के लिए FPS पद्धति में पाउंड का प्रयोग किया जाता है, और समय को दर्शाने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि FPS पद्धति में लंबाई को मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा फुट का। FPS पद्धति में द्रव्यमान के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाउंड का। इसी तरह देखिए MKS पद्धति में, हम देखते हैं MKS पद्धति में लंबाई के मापन के लिए यहाँ मीटर का प्रयोग किया जाता है, और द्रव्यमान के मापन के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, और समय के मापन के लिए सेकंड का। यानी अलग अलग पद्धतियों में जो इनकी इकाई है वह अलग अलग है। यानी फुट पाउंड सेकंड में लंबाई की जो मात्रक पद्धति, जो मात्रक लिया जाता है वो फुट में, यानी लंबाई का मापन फुट में किया जाता है, द्रव्यमान का पाउंड में, और समय का सेकंड में। किस में? FPS पद्धति में। और MKS पद्धति में लंबाई का मापन मीटर में किया जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम में, और समय का सेकंड में। इसी प्रकार CGS पद्धति में लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान का मापन ग्राम में, और समय का मापन सेकंड। तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है FPS, यानी F फुट, P पाउंड, S सेकंड। MKS में M का मतलब मीटर, K का किलोग्राम, S का सेकंड। इसी प्रकार CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम में, और S मतलब सेकंड। यानी आपको यह ध्यान रखना है फुट मीटर सेंटीमीटर लंबाई है, और पाउंड किलोग्राम ग्राम जो है वह द्रव्यमान के मात्रक है। और चौथी पद्धति है वो है SI पद्धति। यानी इसका पूरा नाम अगर बात करें तो इसका है सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें SI, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। इसको 1960 में अपनाया गया था। तो SI पद्धति में, जैसे इसमें मात्रक के लिए तीन ये प्रयुक्त किए जाते थे, SI पद्धति में सात भौतिक राशियाँ अपनाई गई। कौन कौन सी है देखते हैं। और इसमें FPS पद्धति का अन्य नाम जो है वो याद रखना, ब्रिटिश पद्धति और CGS पद्धति का अन्य नाम है मीट्रिक पद्धति। ये आपको नाम याद रखना, अन्य नाम है इनके FPS और CGS के। अब देखते हैं SI पद्धति में जो सात भौतिक राशियां ली गई हैं वे कौन कौन सी है। हम बात करते हैं SI पद्धति की। SI पद्धति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली SI पद्धति से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। SI पद्धति में सात मात्रक अपनाए गए हैं। कितने मात्रक? सात मात्रक, यानी इसमें सात इकाइयाँ अपनाई गई थी।
सात इकाइयाँ कौन कौन सी है तो उनका हम बात करते हैं, कौन कौन सी है भौतिक राशि। तो देखिए पहली है लंबाई, लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी जो है वह है विद्युत धारा। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी विद्युत धारा, पांचवी है ज्योति तीव्रता। और दोस्तों छठी है ताप और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। यानी ऐसे पद्धति में इन सात भौतिक राशियों को अपनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। तो इनकी इकाई क्या है, देखिए अब हम देखते हैं इनकी कौन कौन से मात्रक है इन सात भौतिक राशियों का। तो इनके देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका मापन किस में किया जाता है। तो लंबाई का जो मापन किया जाएगा वो किया जाएगा मीटर में, और द्रव्यमान का मापन किया जाएगा वह किया जाएगा किलोग्राम में, और समय का जो मापन किया जाएगा वह किया जाएगा सेकंड में, और विद्युत धारा का मापन किया जाता है वह किया जाता है एम्पियर में, और अगला ज्योति तीव्रता इसका मापन किया जाता है कैंडेला में, और ताप का मापन हम करेंगे केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा का हम मापन करेंगे वो करेंगे मोल में। यानी इसकी इकाई क्या है, लंबाई मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय की सेकंड, विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मापन मोल में। अब हम देखते हैं इनके मात्रक क्या है, यानी मात्रक, यानी इसको किस संकेत के रूप में संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। तो लंबाई का मात्रक है मीटर यानी स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम से, समय का सेकंड SEC, और विद्युत धारा का एम्पियर यानी कैपिटल ए से, और ज्योति तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है कैंडेला में CD से, और ताप का जो केल्विन में K से, और मोल का यानी MOL। तो ये हमारी ईसाई पद्धति में सात भौतिक राशियाँ थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। यानी लंबाई का मापन करेंगे मीटर में, द्रव्यमान की किलोग्राम में, समय का सेकंड में, विद्युत धारा का मापन एम्पियर में, ज्योति तीव्रता का कैंडेला में, और ताप का केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये इनके सिंबल है यानी प्रतीक, यानी लंबाई को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम KG से, समय का सेकंड से, और विद्युत धारा को कैपिटल ए से, ज्योति तीव्रता को CD से, और ताप की K से, और पदार्थ की मात्रा मोल को MOL से। अब हम देखते हैं मात्रक कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो था मात्रक यानी इकाई, और इंग्लिश में से कहते हैं यूनिट। तो मात्रक को दो भागों में बांटा गया है, दो भाग कौन कौन से, पहला तो होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों मात्रक को दो भागों में बांटा गया है, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। नाम से स्पष्ट हो रहा है मूल मात्रक जो इस पद्धति में माने गए थे, और व्युत्पन्न मात्रक यानी वी प्लस उत्पन्न, यानी वी एन दूसरे, उत्पन्न दूसरों से, जो उत्पन्न जो मात्रक दूसरे मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल मात्रक में हमने जो ऐसी पद्धति में अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, सात प्रकार के जो मूल मात्रक थे, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का CD, और एक पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सात प्रकार के जो मात्रक है वे आते हैं मूल मात्रक में। किस में आते हैं दोस्तों, मूल मात्रक। इससे अलावा जो मात्रक आएगा वह आएगा व्युत्पन्न मात्रक में। जैसे हम बात करते हैं बल, बल का जो मात्रक आता है वह आता है न्यूटन, और बात करते हैं दाब की वह आता है पास्कल। वैसे तो हम आगे फिजिक्स में पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे बल दाब, तो इन बल का जो मात्रक है वह न्यूटन, दाब का है पास्कल। यानी ये किस मात्रक की श्रेणी में आता है, व्युत्पन्न मात्रक में। कैसे, जैसे ये मात्रक है न्यूटन, यानी यहाँ पे दिया गया बल, तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी देखिए किलोग्राम यहाँ पे है, मीटर
ये यहाँ पर रहा लंबाई का और सेकंड समय का। तो दोस्तों यह रहता है, अब इसमें देखिए किलोग्राम इसका है यानी इन किलोग्राम मीटर और सेकंड इन तीन मात्रकों से एक जो बल का मात्रक है वह बनाया गया। अब इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूटन। तो दोस्तों ये किलोग्राम जो बल का मात्रक न्यूटन है वह किलोग्राम मीटर और सेकंड से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रखा गया। यानी विशेषतः सभी में इन सात मूल मात्रकों से मात्रक बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं पास्कल की, तो पास्कल किसका है, दाब का है। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल यानी एफ अपॉन ए। तो एफ का यह रहा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसके अपॉन में है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर इसके नीचे है, इसलिए ये यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो मीटर रहेगा वह इसके सेकंड स्क्वायर के गुणनफल में आ जाएगा। तो एक मीटर से यह कट गया। अब देखिए जो तो दाब का जो मात्रक था वो था पास्कल, यानी यह किलोग्राम सेकंड और मीटर से व्युत्पन्न हुआ है। और बल का जो भी सूत्र था, जो मात्रक था, वो भी किलोग्राम मीटर और सेकंड से व्युत्पन्न हुआ। दोस्तों सात प्रकार के ये मूल मात्रक सात, और इसके अलावा जो भी मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था मात्रक मापन की इकाइयों में। इसमें हमने क्या क्या देखा था, मात्रक पद्धतियाँ देखी थी, चार प्रकार की पद्धतियाँ पढ़ी गई थी, FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। चौथी थी SI पद्धति, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें सात प्रकार की भौतिक राशियों को मिलाया गया था, जो हमने देखी थी अभी सात, और उन सात के मात्रक, और जो सात प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक है वो तो आते हैं मूल मात्रक में, और इसके जो अलावा है वह आती है व्युत्पन्न मात्रक।